सुशांत सिंह राजपूत का केस आज की डेट में कहां फंसा है, क्या सीबीआई की अपडेट है और अब ये केस कब तक सॉल्व हो सकता है, ये सारी चीजें इस वीडियो में बताऊंगा। एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर जरूर करना इस वीडियो को, क्योंकि बहुत जरूरी है कि पूरी डिटेल जानकारी लोगों तक पहुंच सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्लीज, वरना अकेला गणेश शिवरकर की भी कुछ नहीं कर सकता और उसकी फैमिली भी कुछ नहीं कर सकती जब तक उसके फैंस उसके साथ में ना हो। सुशांत की बात करते हैं। सुशांत का केस कहाँ फंसा है? सुशांत के केस में पहले ही मुंबई पुलिस आई, मुंबई पुलिस ने डाउन किया, केस खत्म हो गया था, सुसाइड की न्यूज चल रही थी और उसके बाद पब्लिक जो फैंस है सुशांत के और पब्लिक जो है हमारी देश की और बाहर के भी लोग, वो बेचारे सुशांत के लिए बोले, तब जाके केस न्यूज मीडिया के हाइलाइट्स में आया, पॉलिटिशियन के हाइलाइट में आया। फिर भले इसका फायदा उठाया गया होगा केस में पॉलिटिशियंस के थ्रू, लेकिन न्यूज मीडिया ने अपनी आवाज उठाई और सुशांत के मुद्दे को आगे लेके आए। और ऐसे ही जब आगे लेके आए, वैसे ही जब ये सीबीआई तक पहुंचा, सारी चीजें आई, हमने सपोर्ट किया, मीडिया ने, हम भी सामने आए और उसके बाद बहुत सारी चीजें हुई और आगे, लेकिन ये मुद्दा फिर डाउन हो गया। आज भी सोशल मीडिया पे चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन अब ये केस कहां फंसा है? ये केस कुछ दिन पहले अचानक हाईलाइट होता है, देवेंद्र फडणवीस आते हैं बोलते हैं एसआईटी टीम करेंगे, नीतीश राणे आते हैं बोलते हैं आदित्य ठाकरे का नार्को टेस्ट करेंगे, उसके बाद अचानक रूप कुमार शाह आते हैं वो बोलते हैं, फिर वापस से सारी की सारी मीडिया एक्टिव हो जाती है, फिर वापस से डाउन हो जाता है, फिर अचानक कुछ दिन से स्मृति ईरानी आती है, फिर बाकी से एक दो लोग बॉलीवुड के मुंह उठा के आ जाते हैं और बोलते हैं कि ये सुसाइड किया सुशांत ने। अब वापस से क्या केस मुद्दा उठने वाला है मैं बताता हूँ। बीएमसी इलेक्शन आने वाले थे इसलिए उन्होंने ये बोल दिया, अब वापस से बीएमसी इलेक्शन होने के बाद अब 2024 के इलेक्शन आएंगे तब ये मुद्दा उठाएंगे। तो मुद्दा सॉल्व कब होगा? फंसा कहाँ है केस? यहाँ फंसा है कि किसी भी बड़े इंसान को अंदर डालने के पहले उसको थोड़ा डाउन किया जाता है। तो बॉलीवुड, आपको नाम पता है कौन कौन है सुशांत के बारे में? आपको पता है सारी चीज़ें, उन लोगों को उसमें जितने नेता है उनको बीजेपी डाउन कर रही है, बीजेपी अपना काम कर रही है। आपको तो नेताओं को तो आप एक ही समय डाउन कर सकते हो जब आपको वोट देना है, वरना नेता तुम्हारे हमेशा तुम्हारे सर पे बैठे रहेंगे और तुम पे ही राज करेंगे। नेताओं को तुम एक ही समय सबक सिखा सकते हो जब उसका वोटिंग डालने का टाइम आता है। तो सुशांत के साथ जिसने बुरा किया उसको तुमको वोट डालना नहीं है, ये तुम समझ में आ गया। अब रही बात बॉलीवुड वालों की, तो तुम कभी भी बजा सकते हो क्योंकि बहुत सॉफ्ट टारगेट। तो जिन्होंने सुशांत को परेशान किया, बाकी लोग बॉलीवुड को करना है बॉयकॉट नहीं करना है वो तुम्हारी मर्जी, लेकिन जिन्होंने सुशांत को परेशान किया, जो लोग सुशांत के केस में है, आपको पता है कौन कौन है, वो लोग जो है उनको तो आप कभी भी कर सकते हो। मतलब उनके ब्रांड रिलीज होते हैं, ब्रांड मत देखो, उनकी फिल्में रिलीज होती है, फिल्में मत देखो। थोड़ा थोड़ा पैसा जब खत्म होगा, फेम खत्म होगा, नाम खत्म होगा, तो उनको भी बाकी सब उनके जो पीछे पावरफुल वाले लोग हैं उनको बोलेंगे आप तेरे पास बचा के आए तेरे को सपोर्ट करने के लिए। फिर ऐसा उठा के, फिर बीजेपी के लिए बहुत आसान चीज है, ऐसा उठा के डाल दिया। तो सुशांत का केस अब आपके हाथ में, कैसे? वोट मत करना गलत आदमी को और पिक्चर मत देखना गलत आदमी को, बाकी देखना है तो देख सकते हो, कोई बात नहीं। नया कलाकार की जरूर देखो यार, बेचारे आज भी स्ट्रगल करते हैं वो। तो मैं आज इंडस्ट्री में बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं नए कलाकार जो भी आते हैं उनको सपोर्ट करता रहूँगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर जरूर करेगा मैक्सिमम, क्योंकि लोगों को समझ में आना चाहिए कि केस कहाँ फंसा है और किस तरह से विश्वास मिल सकता है, आप क्या कर सकते हो। तो प्लीज़, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए।